के चीफ गेस्ट बॉलीवुड स्टार जैकी श्रॉफ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा फिल्म श्री दिलीप जोशी जी, फेमस कथावाचिका पूजा जया किशोरी जी, प्राची देवी जी और डॉक्टर संजय किशन सलीम जी महाराज पधारेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी की उपस्थिति वहां पर इस दिव्यांग को जनों को मोटिवेशन देने के लिए जरूर पधारें। भारत भर के अंदर 2011 में सेंसस के जो आंकड़े आए थे, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा और एक विस्तार में बताऊं तो भारत की पूरी जनसंख्या 121 करोड़ बताई गई, जिसमें से लगभग 2.21 यानी कि 2,68,00,000 दिव्यांग जन बताए गए। ये दिव्यांग जन अलग अलग कैटेगरी के हैं, कुछ मूव नहीं कर सकते। लगभग 20% लोग जो है उनको शारीरिक अक्षमता है, मतलब वो लोग अपने हाथ पांव या उनके शरीर में कोई ना कोई ऐसा टेढ़ापन है या दिव्यांगता है जो उनको फिजिकली प्रेजेंट करने में काफी दिक्कत आती है। कुछ लोग हैं जिनको सुनने में प्रॉब्लम आती है, तो संस्थान द्वारा इन सभी बच्चों को अलग अलग तरीके से जो भी हम लोग बेस्ट कर सकते हैं उस तरह की चीजें हम लोग प्रोवाइड कराने का पूरा पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। इस पूरे इवेंट के अंदर चार तरह के राउंड होंगे। फर्स्ट राउंड होगा व्हीलचेयर राउंड, सेकेंड राउंड होगा कैलिपर राउंड, थर्ड राउंड होगा आर्टिफिशियल लिम राउंड एंड फोर्थ राउंड होगा क्रेचेस राउंड। जो बच्चे आपके सामने आ रहे हैं ये सभी 10 से लेके और 25 साल के बीच में उम्र है इनकी, और ये सब की सब भारत के विभिन्न विभिन्न शहरों देशों गांवों से निकल के संस्थान पहुंचे। संस्थान में इनका ऑपरेशन हुआ, इनको कैलिपर मिला, इनको आर्टिफिशियल लिम मिला और वहां से इन्होंने प्रशिक्षण लेने के बाद में अपना ये हुनर उन्होंने अपने लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अभी तक ये जो इवेंट है भारत भर के अंदर उदयपुर से शुरू हुआ, उदयपुर, सूरत, मुंबई, अमृतसर, ऐसे विभिन्न शहरों में 12 जगहों पे हम लोग ये इवेंट कर चुके हैं। आपके शहर दिल्ली के अंदर एक बार फिर से हम इन बच्चों के साथ में आपके साथ आ रहे हैं, तो हम कामना करेंगे आप सभी वहां पे प्रस्तुत होंगे। आप में से किसी के कोई क्वेश्चंस या कोई थॉट? सर, जो दिव्यांग इस संस्थान के अंदर आए हैं वो लोग किसी भी तरह का ट्रेनिंग या प्रशिक्षण लेके नहीं आए थे। उस ट्रेनिंग प्रशिक्षण को देने के बाद में हम लोगों ने, जो आपने बोला फैशन डिजाइनिंग, तो हम लोग उनको सिलाई प्रशिक्षण के थ्रू 3 महीने का ट्रेनिंग देते हैं। उस ट्रेनिंग के बाद में हम लोगों ने उनको, मतलब जिन लोगों को कैंची चलानी नहीं आती, जिनको कपड़ा काटना नहीं आता, जिनको साइज नहीं पता, उन लोगों को हम लोगों ने इतना ट्रेन कर दिया कि वो ड्रेसेस बनाने लग गए। ड्रेसेस बनाने के साथ साथ उनके अंदर कोई कला है, कोई गा सकता है, कोई डांस कर सकता है, और कोई व्हीलचेयर के ऊपर अपने स्टंट दिखा सकता है, कोई पाइप पे चल सकता है, तो मलकम जिसे अपन बोलते हैं, उस तरह की प्रस्तुति आपको देखने को मिलेंगी। और ऐसी प्रस्तुतियां जो बच्चे पैर से नहीं चल सकते, जो अपने हाथ से चल रहे हैं या जिनके दोनों पैर नहीं है, वैसे लोग आपके सामने स्टंट्स करते हुए नजर आएंगे। सर, ये ट्रेनिंग पूरी तरह से संस्थान के द्वारा ही दी गई है जी। सर बिल्कुल, जो हम लोग ये 3 तरह के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग और सिलाई प्रशिक्षण, इन तीनों ही ट्रेनिंग के बाद में इन लोगों को हम लोग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं कि आप पूरे भारत भर में कहीं पे भी अगर अप्लाई करते हैं। अभी तक नारायण सेवा संस्थान से लगभग 800 से अधिक दिव्यांगजन अपने यहाँ खुद या तो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, मोबाइल रिपेयरिंग है, सिलाई मशीन का है या कंप्यूटर ऑपरेटिंग है, या फिर कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। ये नंबर्स ऐसे हैं कि मतलब वो लोगों को इंडिपेंडेंट हो जाता है। मतलब हम लोग जो हर रोज एक नई लाइफ बदलते रहते हैं, जब ये बैच समाप्त होते हैं तो उस बैच में जो 25 बच्चों का एक बैच होता है, उस 25 बच्चे में से सभी लोगों को कहीं ना कहीं जॉब का या फिर कहीं बिजनेस करने का उनको मौका मिलता है। तो
ऐसे दिव्यांग और भी हैं जो दीपा मलिक जी हैं वो बिल्कुल सर मैं आपको ये जितने भी अरुणिमा सिंह के जो पदार्पण करेंगे वो भी टाइम से तो क्या उनको इनवाइट कीजिए आप सर ये जो हमने ये लोग संस्थान से लगभग पिछले 10 साल से जुड़े हुए हैं ये संस्थान के सपोर्टर्स हैं ये संस्थान में जितने भी चीफ गेस्ट अभी इस इवेंट के अंदर आ रहे हैं ये सभी लोग नारायण सेवा संस्थान से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आप जिन जिन महान लोगों की या दिव्यांग लोगों जिन्होंने बहुत नाम कमाया भारत का नाम किया है उन लोगों के लिए मैं आपको ये बताऊँ हम लोग जिन लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आप लोग उनसे मिलेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उन लोगों को तो एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है अभी इस इवेंट के अंदर आपके दिल्ली के ही डिप्टी कमिश्नर उनसे प्रेरणा तो मिलती है बिल्कुल उनको देखेंगे और अपने आप को एक सम्मान वो भी समझेंगे अपने आप को प्रेरणा उनको भी लगेगा कि हम यहां तक पहुंच सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल सर सर इस चीज का आगे हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे और आगे इस तरह के हम लोग गेस्ट को जरूर इनवाइट करेंगे ताकि हमारे संस्थान में और मोटिवेशन इस तरह का हो और मैं आप लोगों को और एक चीज ऐड कर दूं दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर यूपीएससी 2015 टॉपर मिस ईरा सिंगल जी भी इस इवेंट के अंदर पधार रहे हैं तो ये भी आप लोगों के शहर में जो आपके अधिकारी लोग हैं पूरे जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं पूरे भारत भर के अंदर वो लोगों के भी इसके अंदर बहुत ज्यादा फैसिलिटेशन होगा और ये पूरा का पूरा इवेंट एक और मुद्दे के ऊपर है कि अभी हमारे पास में लगभग 3000 से भी ज्यादा वेटिंग लिस्ट है जिन बच्चों को हमें ऑपरेशंस करने हैं परफॉर्म करने हैं उन बच्चों को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जिन वेल विशर्स ने इस पूरे प्रोग्राम के लिए सपोर्ट किया है जिन्होंने उन सर्जरीज को कराने के लिए फंड्स हमें नारायण सेवा संस्थान को दिया है तो हम लोग उनको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अवार्ड दे रहे हैं जिन लोगों ने लोगों को प्रेरित किया है कि आप नारायण सेवा संस्थान के इन बच्चों का ऑपरेशन कराइए तो ये अवार्ड समारोह उन लोगों उन भामाशाह और दानवीरों के नाम भी है और इन दिव्यांग बच्चों के लिए भी है क्योंकि आप हम लोग आपको बुलाकर अगर केवल सम्मान करें और संस्थान क्या कर रही है उसको अगर वास्तविकता में दिखाएं तो आप लोगों के बीच में और दुनिया के बीच में चीज एक मैसेज आएगी कि अगर इन लोगों को भी अपलिफ्ट किया जाए इस संस्थान का एक मेन मोटो है डिसेबल्ड या डिसेबल लोगों को मेन स्ट्रीम सोसाइटी से किस तरह से इनकैश किया जाए इनसे कैसे जोड़ा जाए ये हमारा एक मेन फोकस है जी सर जी सर वो जुड़े हुए हैं लेकिन समय की अनुकूल कीजिए बिल्कुल जी बिल्कुल सर सर हम आपको एक और मैं आपको एक जानकारी और देता हूँ जितने ओलंपिक मेडल नॉर्मल लोगों ने जीते हैं उतने ही पैरालंपिक लोगों ने मेडल जीते हैं नारायण सेवा संस्थान बहुत जल्द एक ऐसी एकेडमी का शुरुआत करने जा रहा है जिसका आधार स्टार्ट हो चुका है हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं हम लोगों ने आउटडोर स्टेडियम बना दिए हम लोग नारायण दिव्यांग स्पोर्ट्स एकेडमी की घोषणा मैं अभी आपको करता हूं और वो एकेडमी अगले एक वर्ष के अंदर बन के रेडी हो जाएगी और जहां पर हम लोग जिस तरीके से नारायण सेवा संस्थान जो शुरू से चलती रही है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरीज और ऑपरेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं उसी तरह हम लोग स्पोर्ट्स के अंदर भी दिव्यांग लोगों को दिव्यांग बच्चों को जो राज्य स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देंगे और वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका रहना खाना पीना ट्रेनिंग्स और जो भी न्यूट्रिशन डाइट्स उन लोगों को चाहिए वो पूरी की पूरी संस्थान बेयर करेगी तो ये एक हमारा एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो लगभग अगले एक साल के अंदर बन के तैयार हो जाएगा ये भी हम लोग उदयपुर के अंदर ही रन करेंगे आपके दिल्ली एनसीआर के अंदर हमारे 6 आश्रम हैं 6 के 6 आश्रम के अंदर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट फिजियोथेरेपी सेंटर रन करते हैं और पूरे भारत भर के अंदर हमारे 23 फिजियोथेरेपी सेंटर्स हैं और कैलिपर वर्कशॉप्स हैं जो हमारे भारत में लगभग 35 आश्रम हैं पूरे भारत भर में आप देखेंगे उस 35 में से हमारे 23 जगहों पर फिजियोथेरेपी सेंटर्स चलते हैं और 7 जगहों पर हमारी कैलिपर और आर्टिफिशियल लिंब वर्कशॉप रन करते हैं सर सरकार भी हमारी मदद करती है लेकिन पब्लिक डोनेशन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा आता है पब्लिक डोनेशन पब्लिक की हेल्प और दान भी भामाशाहों की वजह से हम ये सारे खर्चा वहन कर पाते हैं सर जी नहीं यू आर राइट टैलेंट एक अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है बट टैलेंट यहाँ पर हम लोग जिस चीज़ को बताना चाह रहे हैं कि
द पर्सन हु इज फेसिंग सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, उसको किसी तरह का प्रॉब्लम है उसके शरीर के अंग के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे डांस के माध्यम से रैंप वॉक करा के और अलग अलग स्टंट परफॉर्म करा के, जो स्टंट बेसिकली नॉर्मल लोग करते हैं कि दोनों हाथों से खड़े हो जाना, एक हाथ से आपको डांस करके दिखाना, तो वो सब चीजें आपको दिमाग लो करके दिखाएंगे, इस तरह का टैलेंट परफॉर्म है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैम कि इस तरह के हम लोग इवेंट्स अभी नहीं कराते हैं, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। भारत के अंदर जितने भी दिव्यांग हैं, जो मैंने आपको आंकड़ा बताया 2011 का 2,68,00,000 के लगभग, उसमें से लगभग 60% दिव्यांग आपके रूरल एरिया से हैं और 40% जो हैं वो अर्बन एरिया से हैं। अब आप इस आंकड़े को और थोड़ा सा एलिब्रेट करें तो आप अगर एजुकेशन लेवल के अंदर जाएंगे तो केवल और केवल 20% रूरल दिव्यांग जो हैं वो सेकेंडरी से ऊपर एजुकेटेड हैं। तो अगर हम इन लोगों को इंटेलेक्चुअल लेवल पे लेके जाते हैं और इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटिशन या इंटेलेक्चुअल इवेंट्स करवाते हैं तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन से नंबर्स और लोगों के आने के चांसेस बहुत कम हैं। वेन वी हैव, जब मान लीजिए कि जब संस्थान में हमारे यहाँ पे कोई बच्चा आता है जिसकी उम्र 15 से 16 साल है, हम उसका ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हमें काफ़ी काउंसलिंग करके काफ़ी मोटिवेट करके उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए मोटिवेट करना पड़ता है। दे पीपल डोंट वांट टू गेट इंडल्ज ईजीली, बहुत टफ होता है। और आप अगर बैकग्राउंड देखेंगे और आप उनका आधारभूत, उनका जो उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सुविधाएं उनको आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बहुत कम लेवल पर है। तो अभी हम लोग उनको बेसिक, हम लोग चाहते हैं कि उनको उनका खुद का सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, उनको मूलभूत सुविधाएं इजीली प्रोवाइड हो, मतलब उनको किसी भी फैमिली मेंबर पे, मतलब मेनली उनको होता है कि वो किसी पे डिपेंडेंट है, तो उस डिपेंडेंसी को हम लोग पहले खत्म करें, उस डिपेंडेंसी को खत्म करेंगे उसके बाद में उनको इन सब अपवर्ड्स लेवल, अप लेवल पे जाया जाए। एक नॉर्मल इंसान के लिए इंटेलेक्चुअल थिंग्स करना एक ईजी बात है, बट एक डिसेबल को, एक डिफरेंटली एबल को आप इंटेलेक्चुअल पे लेके जाएंगे तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है और वहाँ पे नंबर्स बहुत कम है। आपने जो सर ने नाम बोला अरुणिमा सिन्हा, आप मान के चलिए हमारे यहाँ 2-2.5 करोड़ लोग हैं, उनमें से एक लेडी है जिसका इस तरह का केस निकल के आया। हमारे पास 2.5 करोड़ लोग और भी हैं, लेकिन वो 2.5 करोड़ लोगों को अभी तक हम लोगों ने उस तरह से ट्रीट भी नहीं किया है। हमारी भी ये कहीं ना कहीं कमी है कि हमने भी उस तरह से ट्रीट नहीं किया है कि हम उनको एक प्लेटफॉर्म दें कि नहीं। आज आप जितने भी डेवलप कंट्रीज में जाते हैं, उन डेवलप कंट्रीज के अंदर उन लोगों को ईजी वे में मूविंग है, मतलब वो एक व्हीलचेयर पे बैठा हुआ बंदा कहीं भी इजीली मूव कर सकता है। उसी कंसेप्ट के ऊपर नारायण सेवा संस्थान को हम लोगों ने स्मार्ट विलेज फॉर स्पेशली एबल्ड का नाम दिया है। हमारे यहाँ पे अगर आप एक बार भी कैंपस विजिट करते हैं या जिन लोगों ने विजिट किया है, आप लोगों को कहीं पे भी लैडर्स नहीं है, आप लोगों का ऐसा कोई जगह नहीं है नारायण सेवा संस्थान में, इवन टू टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स भी अगर आप दिव्यांग लोगों के हिसाब से सोच कर बनाए जाएँ तो उनको बहुत सहूलियत होगी। गवर्नमेंट को भी मैं इस चीज़ का मैसेज देना चाहता हूँ कि कहीं पे भी पब्लिक टॉयलेट्स बने तो एक कॉलम तो प्लीज़ दिव्यांग लोगों को सोच के बनाया जाए, क्योंकि कई लोग होते हैं, मैंने हम लोग आप मान के चलिए कि लगभग 5,000 लोग एट अ टाइम नारायण सेवा संस्थान में रहते हैं जिनका खाना पीना हम लोग देखते हैं। उन बच्चों को इस तरह की चीज़ें जब प्रॉब्लम आती है तो उनका मेंटल बहुत ज़्यादा, मेंटली बहुत ज़्यादा वो लोग हरास मानते हैं अपने आप को कि हम लोगों का, लोगों का यार भगवान ने हमें ऐसा पाप दे दिया है कि हम लोग इस चीज़ों को कर ही नहीं सकते या हम लोग औरों से अलग हैं। और अगर हम ही लोग अगर उन लोगों को सपोर्ट करें और उन लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दें तो दे कैन डू द बेस्ट थिंग, मतलब वो लोग भी एक बेस्ट चीज कर सकते हैं। तो ये एक वजह है। बिल्कुल, आप हम लोग इस चीज के लिए बिल्कुल फॉलोअप ले रहे हैं, हम लोग राजस्थान गवर्नमेंट के साथ में इस चीज़ के लिए भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हम लोगों ने इसके लिए रिक्वेस्ट लेटर के साथ साथ हम लोगों ने पूरा प्लान कि आप लोग आगे से कोई भी पब्लिक डेवलपमेंट करें तो उसमें इन इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखें। हम लोगों ने संस्थान की ट्रस्ट और ट्रस्ट मंडल ने मिलकर इस तरह की पूरी जानकारी केंद्र सरकार को भेजी है और जिसके ऊपर काम चल रहा है। और मैं आपको एक और ऐड चीज करना चाहूँगा कि पिछले 5 वर्ष से जब से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, उस समय से उन्होंने अपनी मन की बात के अंदर कहीं ना कहीं दिव्यांग वर्ड को यूज़ किया है। मतलब फर्स्ट थिंग तो ये कि थैंक यू सो मच मोदी जी कि आपने
उस नाम को बदला और उन लोगों को एक इमेज दी कि आपने दिव्यांग नाम दिया, लोग विकलांग बोलते हैं, निशक्त बोलते हैं। तो मेरे को बहुत खुशी है और पूरे संस्थान को इस चीज़ की बहुत खुशी है कि एटलीस्ट एक जने ने इस चीज़ को बदला और उस चीज़ का बहुत असर दिखा कि अब वो अंग विकलांग नहीं है, वो एक दिव्यांग है। उसके अंदर उस अंग के अंदर प्रॉब्लम है लेकिन वो बाकी सब चीज़ें उसके अंदर बहुत अच्छी हैं, वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो नो डाउट हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग बिल्कुल आशा करते हैं कि आने वाले भविष्य के अंदर इस समस्या का भी बहुत जल्दी और बहुत तेजी से निवारण होगा और हम लोग सब लोग मिलकर इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे। जी अभी है, लेकिन ये बहुत है। जी सर, तो पोलियो के बाद तो ये बिल्कुल खत्म हो गया, वो चैलेंजिंग जो है पाकिस्तान की बीमारी है, बिल्कुल। तो सर, सर अभी रेशियो मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स जो गवर्नमेंट की तरफ से सेंसस से हैं वो 2011 में, अब नए फिगर्स जो 2021 में निकलेंगे तभी हम लोग अपडेट कर पाएंगे, लेकिन ये एक मोटा मोटा फिगर है। आप बोल रहे हैं 2014 के अंदर पोलियो बिल्कुल एडिक्ट हो गया इंडिया से, आई एम टोटली एग्री, बट अभी भी जन्मजात दिव्यांगता की कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जैसे मैं आपको बता दूं हम लोगों के पास में अभी सबसे ज़्यादा केसेस जो आते हैं वो सेरेब्रल पाल्सी के आते हैं। सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसा डिजीज़ है जो बच्चा माँ के पेट से ही जब पैदा होता है तो उसके अंदर बैठने का, चलने का, खड़े होने का, सोचने का, सब तरीके का प्रॉब्लम होता है। ऐसे केसेस नारायण सेवा संस्थान के अंदर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं, मतलब आप मान के चलिए कि लगभग 60-70 पीपल डेली बेसिस के ऊपर हमारे यहाँ ओपीडी होती है, उसमें सीपी पेशेंट आते हैं। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जिन बच्चों को ये बीमारी होती है उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जो 9 मंथ्स का जो टाइम होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उसमें जो माता है या मातृत्व है उसको पौष्टिक आहार के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और दूसरा, हम जो कहीं पे भी जो प्रसूता का काम होता है, जो डिलीवरी का काम होता है, वो अगर हम लोग ठीक जगह से और प्रॉपर तरीके से एकदम गायनेकोलॉजिस्ट की अगर देख रेख में कराएं तो बहुत ज़्यादा हद तक हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। सर, इंडिया में नहीं और यूएस के अंदर भी ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, सेरेब्रल पाल्सी, और हम लोगों के पास में कई सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि आप लोग इस चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं क्या, बट हम लोग अभी इंडिया के वही कवर कर ले वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मासेस में सबसे ज़्यादा जो नंबर्स हमारे पास में आते हैं वो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट से हमारे पास में सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं मेजरली। बाकी महाराष्ट्र भी एक नंबर से जहाँ से कई सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनको 2 साल बाद 3 साल बाद में पैर में कुछ टेढ़ापन है, हाथ मुड़ गए हैं, इस तरह के केसेस हमारे पास में आते हैं।